नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, जिन युवा अभ्यर्थियों को IAS IPS जैसे सेवाओं में जाने का एक एम्बिशन है, गोल है, तो ये वीडियो उनके लिए ही है दोस्तों। यानी कि हम चर्चा करेंगे दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के विषय में। यानी कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो मेन्स एग्ज़ाम होता है उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अंग्रेजी साहित्य। हम इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन तमाम वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उस पर भी वीडियो बन चुका है दोस्तों। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक्स डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके दोस्तों। तो चलिए चलते अपने सिलेबस की तरफ, अपने टॉपिक्स की तरफ। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि दो कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे प्रत्येक पेपर में, जिसमें कि एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन होगा जनरल स्टडी के टॉपिक्स से संबंधित और दूसरा अनसीन पैसेज पर क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो पेपर वन में आप देखिए क्या क्या चीज़ है जो आपको कवर करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पेपर वन में कौन कौन सी चीज़ है जो कवर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि इसका जो उत्तर है इंग्लिश में ही देना है, चूँकि इंग्लिश लिटरेचर का सवाल है तो इंग्लिश में ही देना होगा। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आप पर आपको कवर करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। आप यहाँ देख सकते हैं द रिनाशियंस, ठीक है, एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा, मेटाफिजिकल पोएट्री, द इपिक एंड द मॉक इपिक, ठीक है, न्यू क्लासिज्म, सैटायर, द रोमांटिक मूवमेंट, द राइज ऑफ द नोवेल, द विक्टोरियन एज। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के पॉइंट्स को आपको कवर करने हैं। सेक्शन ए में अब क्या क्या पढ़ना है यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को पॉज करके अपने सुविधा के अनुसार अपने नोटबुक्स में इसको कॉपी कर सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देखिए सेक्शन ए में क्या क्या आपको अध्ययन करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कवर करना है। ठीक है, इसमें है विलियम शेक्सपियर, द किंग लियर एंड द टेम्पेस्ट, ठीक है, जॉन डोन, द फ्लोइंग पोएम्स, कैनोनाइजेशन, डेथ, बी नॉट प्राउड, द गुड मॉरो, ऑन हिज मिस्ट्रेस, गोइंग टू बेड, द रेलिक, जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, 1, 2, 4, 9। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, पढ़ने हैं। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। अलेक्जेंडर पॉप, द रेप ऑफ द लॉक, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, द फॉलोइंग पोएम्स। इसके विलियम वॉर्ड्सवर्थ का जो पोएम्स है ये पढ़ने हैं। देखिए कौन कौन से पोएम्स है, वुड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरिटी, टीनंट एबे, थ्री इयर्स द ग्रीव, सी ड्वेल्ट एमंग अनट्रोडन वेज, माइकल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, मिल्टन थाउ सोल्डेस्ट बी लिविंग एट हिज आवर, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड टेनिशन का लिखा हुआ जो किताब है वो है इन मेमोरियम, ये पढ़ना है। हेनिक इसेबेल का एडॉल्स हाउस, ठीक है, हेनिक इप्सेन का डॉल्स हाउस। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या आपको पढ़ना है। सेक्शन बी में आगे दोस्तों, सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ना है, जोनाथन स्विफ्ट के गुलिवर ट्रेवल्स, जेन ऑस्टेन के प्राइड एंड प्रिज्यूशेस, हेनरी फील्डिंग के टॉम्स जोन्स, चार्ल्स डिकेंस के हार्ड टाइम, जॉर्ज इलियट के द माइल ऑन द फ्लोस, थॉमस हार्डी का टेस ऑफ द डी यूरिवेलीज, मार्क टेवन के द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको तैयार करने हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है अंग्रेजी साहित्य के। ठीक है दोस्तों, जो बंदा अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन कर रखा है
उसका ऑनर्स पेपर अंग्रेजी साहित्य है, तो उसके लिए एक बेहतर विकल्प यह हो सकता है दोस्तों। या फिर मैं यही कहूँगा कि यदि आपका ऑनर्स पेपर इंग्लिश लिटरेचर है तो आप इंग्लिश लिटरेचर को ही चुनें, ठीक है दोस्तों। ऑप्शनल पेपर के रूप में आप इंग्लिश लिटरेचर को ही चुनें, यह आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आप ग्रेजुएशन स्तर पर इसके हर एक चीज़ को पढ़ चुके होंगे और जो इसका सिलेबस है वो ग्रेजुएशन के सिलेबस से ही मैच करता है। तो मुझे नहीं लगता कि यदि आपने इंग्लिश ऑनर्स ले रखा है तो आपको किसी प्रकार की इसकी तैयारी में दिक्कत होगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों, पेपर टू में आपको क्या क्या पढ़ना है। पेपर टू में जैसे कि इसका जो थीम है, मुख्य जो थीम है, आप यहाँ देख सकते हैं, मॉडर्निज्म पोएट्स ऑफ द थ्रस्टीज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल एब्स्योर्ड ड्रामा कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश मार्क्सिस्ट साइको एनालिटिकल एंड फेमिनिस्ट अप्रोच टू लिटरेचर पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के चीज़ जो है आपको अध्ययन करने हैं इसमें जो दिया हुआ है। अब इसमें सेक्शन ए में क्या क्या आपको अध्ययन करना है आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। सेक्शन ए में आपको पढ़ना है विलियम बटलर इट्स का इस बारे में इनके जो पोएम्स हैं, आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ईस्टर 1916, ठीक है दोस्तों, द सेकेंड कॉमिंग, द ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, सेलिंग टू बेंजेंटियम, द टावर, ये जो है आपको तैयारी करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। हाँ, इसमें और भी है दोस्तों, जैसे कि एमंग स्कूल चिल्ड्रेन, लीडा एंड द शॉन मेरू, लैपिस लेजुली, द सेकेंड कॉमिंग, बेंजेंटियम, ठीक है, बाइजेंटियम, ये आपको पढ़ने हैं दोस्तों, ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। अब टीएस एलियट के एलियट का कौन कौन से पोएम्स है जो आपको पढ़ने हैं दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ठीक है, जर्नी ऑफ द मैगी बर्ट नॉर्टन। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन कौन से चीज़ आपको पढ़ने हैं। आगे है दोस्तों, आप देख सकते हैं डब्ल्यू एच ऑडेन का पोएम्स पढ़ना है, जैसे कौन कौन सा चीज़ है, पार्टीशन, मूसी डेस ब्यूरेक्स आर्ट्स, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी इट्स, ले योर स्लीपिंग हेड माई लव, द अननोन सिटीजन, कंसीडर्ड, मंडस इट इन फैंस, द शील्ड ऑफ एसिलीस, सेप्टेम्बर 1, 1939, पिटीशन, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं अपने सिविल सर्विस के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना है। जॉन ऑसबॉर्न के का जो ये है लिखा हुआ जो तथ्य है, लुक बैक इन एंगर, सैमुअल बेगेट, वेटिंग फॉर गुडॉट गॉडॉट, ठीक है, गॉडॉट, वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये तैयार करना। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए फिलिप लार्किन, इसका कौन कौन सा पोएम है आप यहाँ देख सकते हैं, नेक्स्ट प्लीज, डिसेप्शन, आफ्टरनून्स डेज, मिस्टर ब्लीने, उसके बाद ए के रामानुजन का जो पोएम्स है वो इस प्रकार से है दोस्तों, ये जो आपको पढ़ना है, लुकिंग फॉर ए कज़न ऑन ए स्विंग, ए रिवर ऑफ मदर्स एमंग अदर थिंग्स। उसके बाद देखते हैं दोस्तों और कौन कौन से चीज़ है, लव पोएम फॉर ए वाइफ वन, ए स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ए ग्रेट हाउस, ओबिचुरी, ठीक है, ओबिचुरी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अब क्या क्या पढ़ना है। सेक्शन बी में देखिए क्या पढ़ना है दोस्तों, जोसेफ कुनाट, लॉर्ड जिम, जोसेफ कुनाट का लिखा हुआ लॉर्ड जिम, जेम्स जोसी का लिखा हुआ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, डीच लॉरेंस का लिखा हुआ सन्स एंड लवर्स, ई एम फॉस्टर का लिखा हुआ है पैसेज टू इंडिया, वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ मिस्टर डलोवे, राजा राव का लिखा हुआ कांथापुरा, बी एस नायपल का लिखा हुआ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास। तो ये पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों।
अंग्रेजी का जो सिलेबस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि यह सिलेबस आपको पसंद आई होगी, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक्स कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी विशेष रूप से फ़ायदा हो सके। दोस्तों तो चलिए चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।